कांग्रेस के दिग्गज नेता और गांधी परिवार के बेहद करीबी कहे जाने वाले नेता अहमद पटेल का आज सुबह निधन हो गया। 71 वर्ष के अहमद पटेल कोरोना संक्रमित थे और गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती थे। उनके बेटे फैजल ने ट्वीट कर उनके निधन की जानकारी दी। अहमद पटेल के निधन से पूरी कांग्रेस पार्टी में शोक की लहर है, तो ही प्रधानमंत्री मोदी समेत देश के कई नेताओं ने अहमद पटेल के निधन पर शोक प्रकट करते हुए श्रद्धांजलि दी है। वरिष्ठ पत्रकार शीला भट्ट ने अहमद पटेल को ट्विटर पर श्रद्धांजलि देते हुए उनकी अंतिम इच्छा का जिक्र किया है। उन्होंने लिखा है कि अहमद पटेल की अंतिम इच्छा थी उन्हें उनके पैतृक गांव पीरामन में दफनाया जाए, जो कि गुजरात के राज्य में अंकलेश्वर के पास स्थित है। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें। अहमद पटेल का निधन कांग्रेस के लिए बड़ी क्षति के रूप में देखी जा रही है। उनके निधन पर प्रधानमंत्री ने गहरा शोक प्रकट किया। पीएम मोदी ने ट्वीट किया कि अहमद पटेल जी के निधन से मैं दुखी हूं। उन्होंने सार्वजनिक जीवन में कई साल समाज की सेवा में बिताए। अपने तेज दिमाग के लिए जाने जाने वाले अहमद पटेल को कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने की उनकी भूमिका हमेशा याद रखी जाएगी। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट कर लिखा कि कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता अहमद पटेल जी के निधन की सूचना अत्यंत दुखद है। अहमद पटेल जी का कांग्रेस पार्टी और सार्वजनिक जीवन में बड़ा योगदान रहा है। मैं दुख की इस घड़ी में उनके परिजनों और समर्थकों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करे। गांधी परिवार के बेहद करीबी अहमद पटेल थे। गौरतलब है कि गांधी परिवार के करीबी कहे जाने वाले 71 वर्षीय अहमद पटेल 3 बार लोकसभा और 5 बार राज्यसभा सांसद रहे। उन्होंने अपना पहला लोकसभा चुनाव 26 साल की उम्र में भरूच से जीता था। सोनिया गांधी के विशेष सलाहकार अहमद पटेल को पार्टी का संकट मोचक भी कहा जाता था। 2018 में कांग्रेस पार्टी का उन्हें कोषाध्यक्ष भी बनाया गया था और वे साल 1993 से राज्यसभा सांसद भी थे।